हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और जो आज की एक अपडेट है वह संविदा की एक जॉब रिक्वायरमेंट्स है। जी हां, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना यानी जायका जो उसके मुख्य परियोजना निदेशक हैं उनके थ्रू एक वैकेंसी निकली है। यह जो आपकी अपडेट है यह 19 जून 2019 की है। इसमें देखिए क्या रिक्वायरमेंट लिखी है, आप रिक्वायरमेंट को देखिए। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत मानव वन्य जीव संघर्ष के नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के PMU द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 22 जुलाई 2019 की सायं 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो भी आपका ये जॉब वैकेंसी है यह एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो इसके जो पोस्ट निकली हैं वो टोटल पोस्ट आपकी 7 पोस्ट हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। और यह 22 जुलाई 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन्य जीव त्वरित अनुक्रिया दल यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT। ठीक है, यहाँ पे इसका पारिश्रमिक लिखा हुआ कितना, 25,000 रुपये कंसोलिडेटेड मिलेगा प्रति माह, 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसमें जो आवेदक है इसमें टोटल संख्या 7 हैं, इसमें आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आवेदक को वन विभाग, गैर सरकारी संगठन, अन्य संस्थानों में वन्य जीवों के बचाव कार्यों से संबंधित काम करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए। तीसरा, आवेदक को उत्तराखंड में पाए जाने वाले जंगली जानवरों, स्तनधारियों, सरीसृप, उभयचर, एवियन पक्षी प्रजातियां आदि की पहचान होनी चाहिए, बिल्कुल। चौथा, आवेदक को वन्य जीवों के बचाव कार्य करने संबंधी सेवाएं देने के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा यानी मेडिकल आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा। पाँचवा, आवेदक किसी भी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो। तो ये आपके 5 हैं, तो अगर आप इन एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आपको यह फॉर्म भर देना चाहिए अगर आप संविदा की जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आयु है, एज 21 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। जहाँ पे लिखा हुआ वो लिखा 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक ना हो, तो 21 से 45 के बीच में है। योग्यता आपको पहले बता दी, अनुभव आपको पहले बता दिया, पारिश्रमिक आपको पहले बता दिया कि संविदा पर रखा जाएगा 25,000 रुपये प्रति महीना के आधार पर। अब संविदा पर रखे जाने की अवधि क्या है, प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा और उसके बाद आपको आगे ईयर टू ईयर आपको उसमें अगर आपका प्रदर्शन अच्छा है, परियोजना अगर चलती रही तो आपको आगे रखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 दिनों का नोटिस देकर समाप्त करी जा सकती है, ये ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको इससे घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए आगे चलते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे आपको करना क्या है, इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन, हस्ताक्षर, बायोडाटा सहित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्र, फोटो, वीडियो एवं वन्य जीवों के बचाव कार्यों का अनुभव नीचे दिए गए पते पर दिनांक 22 जुलाई 2019 की सायं 5 बजे तक मुहर बंद लिफाफे में भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर साफ शब्दों में वन्य जीव त्वरित अनुक्रिया दल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT के आवेदन के लिए लिखा जाए। कहाँ पर भेजना है, मुख्य परियोजना निदेशक उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना जायका, 24 IT Park, सहजारा रोड, देहरादून 248001। अब मैं आपको आवेदन पत्र दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने इसका आपका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। आप अपना ये आवेदन पत्र है आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख लीजिएगा, आपको कैसे भरना है इसका आप प्रिंटआउट निकालिए और इसका प्रिंटआउट निकालने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आप इसको भेज सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये वैकेंसी निकली ये संविदा में निकली हुई है, किस पोस्ट में, क्विक रेस्पॉन्स टीम। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।